यूपी में तीसरे चरण के लिए शोर थम चुका है। 20 फरवरी को मतदान होना है। जनपद में 1236 बूथ बनाए गए हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि किसी भी मतदाता का कोई भी यहां पर परेशानी उनको नहीं होगी। जो भी मतदान में व्यवधान उत्पन्न करेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा कि 80 साल से ऊपर के मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर की व्यवस्था की गई है। वहीं एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा कि जनपद के संवेदनशील मतदान स्थलों को चिन्हित कर हिस्ट्री शीटर के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। किसी भी मतदाता को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वह निर्भीक होकर मतदान करें। और इसके संबंध में सारी सुरक्षा संबंधी एवं जो अन्य तैयारियां हैं उन सभी को कर लिया गया है। पार्टी डिस्पैच की सारी तैयारी एवं उसकी कलेक्शन की तैयारी, ये सारी चीजें अपडेट कर ली गई है। वल्नरेबल क्रिटिकल का आइडेंटिफिकेशन, साथ ही साथ जो हमारे ऑल पीडब्ल्यूडी बूथ है, मॉडल बूथ है और वुमेन बूथ है, इन सभी का हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। और साथ ही साथ जितनी भी आवश्यक इन्फॉर्मेशन है उसको मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि हमारे जनपद के किसी भी मतदाता को किसी भी तरह की कठिनाई न करना पड़े। और इसके संबंधित आज सभी पुलिस कर्मियों की और सीएपीएफ और पीएससी की ब्रीफिंग जो है वो पुलिस लाइन में ऑर्गेनाइज की गई है। इस पर हमको जो निर्देश देने हैं इलेक्शन कमीशन से जो आए हैं उनको वो दिए गए हैं। साथ ही में जितने भी हमारे पोलिंग सेंटर्स हैं उनको सभी उनको 100% सीपीएमएफ से कवर किया जाएगा और उस बाकी अन्य जो है वो पुलिस फोर्स मानकानुसार लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार थमने के बाद उम्मीद